हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टैक्स जोन। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे सामने खड़ी है मोटो मोरेनी एक्सकेप 650। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले स्पेशली इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में कि क्या क्या फीचर है, क्या इसमें मोड्स है, क्या इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो सब कुछ आपको बताएंगे कि कंपनी ने क्या क्या फीचर आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दे रखे हैं। जो ये 7 इंच का TFT डिस्प्ले आपको दिया है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो सब कुछ आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर रूप और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इस TFT डिस्प्ले के बारे में कि कितने ऑप्शन और क्या क्या फीचर आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिलते हैं। सो गाइस, हमारे साथ मिस्टर रूप जुड़ चुके हैं। रूप जी यहाँ पे शोरूम पे कम्प्लीटली सेल हैंडल करते हैं, तो आज ही हमको मोटो मोरेनी के कम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताएंगे किस तरह से वो फंक्शन करता है, क्या उसमें फीचर है, क्या क्या ऑप्शन है, तो सब कुछ वो आपको एक एक चीज़ करके सब कुछ समझाएंगे। तो रूप जी, स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू मोटो वर्ल्ड। सर, मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड करता हूँ आपको मोटो मोरेनी के रिगार्डिंग जो इन्फोटेनमेंट आपको इसमें आपको मिलता है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम स्टार्ट करके दिखाते हैं, सो आप देख सकते हो 7 इंच की स्क्रीन मिल रखी है एंड इट्स अ कलरफुल स्क्रीन, बहुत ब्राइट है। मतलब कि डेली लाइफ में जैसे होता है ना कि आप ब्राइट में, आप सन में आप चला रहे हो तो एक लाइट होता है, जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट रोल करती है। तो इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। सो अगर आपको कोई इन्फोटेनमेंट हो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कैसे रहेगा। जस्ट आपको फ़ोन की ब्लूटूथ आपको ऑन करनी पड़ेगी। सो आप देख सकते हो ये अभी ऑलरेडी कनेक्टेड है एंड ब्लूटूथ के यहाँ पर साइन शो रखा है। ओके, सो जिससे कि आप कोई भी आपको चीज़ करनी हो, अटेंड करनी हो, सो अगर म्यूज़िक आपको चेंज करना है आप यहीं से चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज पावर बटन्स। तो यहाँ से आप डाउन शिफ्ट करेंगे, देन आप इसे प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका इन्फोटेनमेंट आ जाता है। आप यहीं से प्ले कर सकते हो, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो एंड बैक भी कर सकते हो। ये बैक और ये चेंज का बटन है एंड ये प्ले का बटन है जो, ठीक है। प्लस कोई कॉल होती है, कॉल अटेंड करनी होती है तो आप इसको जस्ट बैक करके यहाँ से आप कॉल में जा सकते हो। तो लास्ट कॉल आप दिखा सकते हो कि लास्ट कॉल कौन सी है एंड आप कॉल भी कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। सब चीज़ आपका यहीं पर ही आपको पूरा चीज़ एक्सेस हो जाएगा एंड इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जैसे कि फ़ोन आ चुका है मेरे पास, तो ये आपका स्टार्ट हो जाता है, कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ईजी है, बहुत ईजी रहेगा। एंड इसके जो इन्फोटेनमेंट की और चीज़ बता देता हूँ, जैसे अगर आप सेटिंग में जाते हैं इसमें बाइक इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। बाइक इन्फॉर्मेशन में आपको सब चीज़ दिख जाता है कि कितने किलोमीटर चली है, ट्रिप मीटर, टाइम, डेट, इवन इसमें टायर प्रेशर का भी आप मॉनिटर कर सकते हो। okay. बैटरी वोल्टेज भी चेक कर सकते हो साथ साथ, मतलब कि हर एक चीज़ जो आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मोटरसाइकिल में आप नेसेसरी हो गई है 2022 में, तो सारी चीज़ें मिलती हैं। आप बैक प्रेस करेंगे देन आपको कनेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। इसमें दो कनेक्ट होते हैं, एक इंटरफोन 1 एंड इंटरफोन 2, ये दो ऑप्शन होता है। दोनों में से आप कोई से भी कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल आप कनेक्शन कर सकते हो, कनेक्टिविटी कर सकते हो। साथ ही साथ आप डिस्प्ले व्यू भी कर सकते हो, डिस्प्ले व्यू सेट कर सकते हो। उसमें आप ऑटो, डे, नाइट, 3 मोड हैं। राइट, अगर रात में चलाना है, रात में आपको मैनुअली आपको अब चेंज करना है TFT कलर, तो इससे भी आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, व्यू मोड ऑटो, जैसे मैंने डे में कर दिया, डे में करके अब बैक करेंगे तो ये आपका डे हो गया, ठीक है। अब नाइट मोड करके दिखाते हैं आपको, कनेक्ट व्यू नाइट, तो आपकी डिस्प्ले आप देख सकते हो ये नाइट शेड हो गई है, जिससे कि आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ता है। आंखों में होता है ये जो वाइट लाइट होती है ना, जो ब्लू लाइट होती है वो आंखों में नहीं पड़ती, रोशनी नहीं लगती। अब फिर से सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके हम डिस्प्ले में जाएंगे, फिर से व्यू में जाएंगे। आप इसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो एज़ वेल एज़ आप अपना बैकग्राउंड भी। आप दो, एक्चुअली इसमें दो मोड है, एक राइड मोड है और एक ऑफ रोड है। तो राइड मोड में आपको मतलब कि पावर कंट्रोल आप इजी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। ऑफ रोड में क्या होता है कि थोड़े से और पावर मिल जाती है, देन आप मतलब कि इसमें स्विचेबल ABS भी है इसमें, बिकॉज ऑफ रोड में आपको इतना ज़रूरत ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको जो एकदम ही एक प्रोफेशनल जो होते हैं वो ऑफ रोडिंग अच्छी तरीके से जो करते हैं, तो उसमें आपको ABS ऑफ करना ही पड़ता है। सो ये चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एंड पावर इसका देखा जाए तो बहुत अच्छा है। लैंग्वेज भी आप सेट कर सकते हो, ये लैंग्वेज है, इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, इटालियन, चाइनीज एंड इंग्लिश। सो ये ऑप्शन है। साथ ही साथ आपके यूनिट्स भी मेजर कर सकते हो आपकी गाड़ी की, ये आपको मेट्रिक में चाहिए, इंपीरियल में चाहिए। साथ ही साथ आप इसमें टाइम भी एडजस्ट कर सकते हो। तो डिस्प्ले में हम इसकी लुक भी चेंज कर सकते हैं मीटर की, ऑब्वियसली बात है। ये आपको जैसे अभी मैं आपको इसमें भी वैसे भी दिखा देता हूँ,
ये ट्रिप मीटर हो गया, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, ट्रिप वन ट्रिप टू, एंड ये आपका सेट कर दिया मैंने, एंड इसमें राइड है, ये आप ऑफ रोड है, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें टायर इसमें विजिबल हो जाता है, और जो नॉर्मल में आपका जो आपको स्पीडोमीटर जो आरपीएम होती है वो आपको शो कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ऑफ रोड में इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब आप हाईवे में होते हो तब आपको एक आरपीएम की सर्टेन नीड होती है, सो ये एक बेसिक चीज़ है। बाकी गियर इंडिकेटर्स आपको मिल रखा है, डिस्प्ले यहाँ पर यूनिट शो हो जाती है, आपको फ्यूल यहाँ पर शो हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ पर शो हो जाता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आज की डेली रूटीन में बहुत इफेक्टिव है। प्लस इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब राइड्स करते हैं तो हमें जैसे हमारे यूट्यूबर्स होते हैं या फ़ोन अगर आप एक्सेस कर रहे हो जीपीएस यूज़ करना होता है तो बैटरी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हमने इसमें डबल यूएसबी सपोर्ट दे रखा है ताकि आप साथ आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, साथ साथ आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको चार्ज करें देन वो भी चार्ज कर सकते हो, सो एक काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है सर इस बार। तो थैंक यू रूप जी हमारे साथ बनने के लिए और हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो गाइज ये थे मिस्टर रूप, तो कम्प्लीटली इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो ये सब कुछ था दोस्तों आज की वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना, अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना करवाएं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।